नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लगातार दूसरे दिन 81 नए पॉजिटिव, अपराधी पर हमला, 3 गिरफ्तार। शहर के कई इलाकों में 27 घंटे तक गुल रही बिजली। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लगातार दूसरे दिन 81 नए पॉजिटिव। नागपुर जिले में संक्रमण दर तेजी से गिर रही है। जिले में बुधवार को जहां लगातार दूसरे दिन मात्र 81 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि संक्रमण दर घटकर मात्र 0.66% रह गई है। यह नागपुर के लोगों के संयम का ही फल है। पर लॉकडाउन में छूट मिलते ही बाजारों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में अगर नियम की डोर टूटी और नियम का कड़ाई से पालन नहीं हुआ तो फिर से जिले में संक्रमण की चपेट में आने का अंदेशा प्रबल हो जाएगा। नागपुर जिले में बुधवार को 5 की मौत हुई। ग्रामीण में लगातार तीसरे दिन कोविड से किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। शहर के 2 और जिले के बाहर के 3 संक्रमितों की आज मौत हुई है। आज मिले संक्रमितों में शहर के 42, ग्रामीण के 37 और जिले के बाहर के 3 है। अब तक जिले में 4,76,088 संक्रमित मिले और 8,978 की मौत हुई। आज 322 संक्रमित ठीक हुए, इसमें शहर के 223 और ग्रामीण के 99 है। अब तक कुल 4,64,434 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 97.50% पहुंच गई है। आज कुल 10,635 नमूने जांचे गए, इसमें शहर के 7,822 और ग्रामीण के 2,813 है। तो वही दूसरे और अपराधी पर हमला, 3 गिरफ्तार। हुड़केश्वर में अपराधी को हथियार से वार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। मंगलदीप नगर निवासी धर्मेंद्र वानखेड़े के खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज है। वह मंगलवार की रात अपने 2 मित्रों के साथ घर में बैठा था। उसी वक्त प्रतीक वाके, आशीष लांजेवार तथा प्रतीक कहिले वहां आए। उन्होंने धर्मेंद्र के घर पथराव कर दिया। धर्मेंद्र बाहर आया तो हथियार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। हुड़केश्वर पुलिस ने हमले का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वही तीसरे, शहर के कई इलाकों में 27 घंटे तक गुल रही बिजली। बारिश की मार झेल नहीं सका महावितरण, मरम्मत के नाम पर नागरिक होते रहे परेशान। मंगलवार की दोपहर तेज हवा के साथ हुई वर्षा ने शहर की बिजली वितरण प्रणाली की पोल खोल दी। कई इलाके पूरी रात अंधेरे में डूब रहे तो कहीं आज शाम 5:30 बजे तक करीब 27 घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। महावितरण का दावा है कि वर्षा से काफी क्षति पहुंची, मरम्मत में काफी समय लगा। उधर कंपनी की मानसून पूर्व तैयारी एवं मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहा है। नागरिक पूछ रहे हैं कि यह कैसी वितरण प्रणाली है, हर सप्ताह के मेंटेनेंस के बाद भी मौसम की मार नहीं झेल सक रही है। उनका कहना है कि अगर यही हाल होना है तो हर सप्ताह मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल करना बंद कर देना चाहिए। मंगलवार दोपहर हुई वर्षा से कई वृक्ष गिर गए, उन्होंने बिजली लाइन को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई स्थानों पर वृक्ष की टहनियां टूटकर लाइन में गिरी तो कहीं तेज हवा की वजह से खंभे टेढ़े हो गए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।